मेरा और हरियाणा से हूँ। Hey everyone, welcome back to my channel. So here is another interesting vlog of a local tea seller selling cooler chai and accepts crypto as a token of payment. So what's more interesting? Let's find out. Oh, Shubham Dhani naam hai mera aur Haryana se hoon main. Haryana, jahan doodh dahi to famous hai, but yahan pe wo bhains ka doodh milta nahi hai na, to gaay ke doodh se chai banani padti. तो इतनी मोटी चाय बन नहीं पाती उस लेवल की अच्छी, बट अच्छी चाय बनती है तो माओ पी के देखना, कूलर वाली चाय का अलग टेस्ट रहता है। बट ऐसा कुछ खास फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कॉलेज ड्रॉप करके चाय की दुकान लगाई है। बट हमेशा से ही कुछ बिजनेस करना था, कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज में लगाने की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर हरियाणा में ही है, तो लगाने की कॉलेज मेरे लिए कुछ काम कर पाएगा। तो कॉलेज ड्रॉप किया, ड्रॉप करके बैंगलोर आया, बैंगलोर आके जॉब की कुछ टाइम, जॉब क्विट करने के बाद मैंने अपने ही खुद का कुछ एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया। मैं जॉब कर रहा था ब्रोकर्स कंपनी में, उसका जॉब क्विट करने के बाद फिर मैंने ब्रोकर्स में जॉब क्विट करने के बाद मैंने खुद का एक वेंचर स्टार्ट किया है। देखते हैं, चाहता तो मैं किसी भी लड़के को रख सकता था 10-12 हज़ार रुपये में स्टेज पर फूड बेचने के लिए, चाय बनाने के लिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ कि शुरू में सड़क से उठ के आज सड़क पर चाय बनाना। Although the name of the shop says Frustrated Dropout, but the chaiwala isn't the one, right? Well, let's find out why he chose to accept crypto as a token of payment. When one of my friends told me about this for the first time, I was super excited to meet him and wanted to know more. Well, he was kind enough to respond and greet us with a welcoming gesture. Perhaps there may be many others out there who accept crypto, but I may not be aware of. क्रिप्टो करेंसी का ये है ना कि कोई रेगुलेशंस नहीं है अभी किसी भी तरीके की। कोई भी बंदा क्रिप्टो बना देता है अपनी, लॉन्च करवा देता है थोड़े से पैसे लगा के, फिर उसे चलाता रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं अपने हिसाब से। लोग आते हैं जब लोगों के पैसे को लेके बंद कर देते हैं क्रिप्टो को, वो स्कैम हो जाता है। मैं भी सोच रहा हूँ एक बना दूँ फ्रस्ट्रेटेड ड्रॉप आउट कॉइन, उसी से ट्रेड करेंगे फिर अपनी दुकान पे। देखिए मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरी फैमिली को इसके बारे में नहीं पता है। वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है, पर वो चाहते थे कि मैं जॉब भी करूं। इस बात पे बहुत लड़ाइयाँ भी किया मैंने घर पे कि नहीं, जॉब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। पर फाइनली एक उनकी बात मान के मैं बैंगलोर जॉब करने आ ही गया, पर जॉब काफ़ी टाइम तक सूट नहीं कर पाई, तो इसलिए खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। छोटा ही सही, बट खुद का बिजनेस करना मुझे ज़्यादा सही लगा। इतने पैसे थे नहीं कि दुकान वकान लेके कुछ बिजनेस किया जाए, तो मैंने जितने थे उस हिसाब से जितना मैं कर पाया वो मैंने सेटअप कर दिया। अब इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे, खुद ही करके करेंगे बिजनेस को ग्रो। साथ रहा आप लोगों का, अच्छा चलेगा। Cryptocurrency has got the fancy of young Indians and have got a lot of attention in India. And the currency that promises to bring a revolution can now be spotted on the streets of India. And it's a small step to a larger level of adoption. A very few people, basically those who want to try. Actually, a majority of people don't know about what the cryptocurrency is. मतलब जिन्हें पता है उन्हें ये नहीं पता कि इनसे ट्रेड भी किया जा सकता है। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि क्रिप्टोकरेंसी एक चीज़ है जिसे खरीद बेच करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। उन्हें ये नहीं पता कि हम एक दूसरे को देख के भी क्रिप्टोकरेंसी का यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज। देखो मेरी क्रिप्टो पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो वैट और XRP में है। बिटकॉइन में ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी, मेरी पूरी 100% क्रिप्टो पोर्टफोलियो में से 5% की जो इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन और इथेरियम में होगी। बाकी मोस्टली 40% के अराउंड XRP बैट।
क्योंकि वैट है वो मोनोपोली इन मार्केट, वैट इज चाइनीज करेंसी बट इट विल हैव अ मोनोपोली. और आई हैव 20% पोर्टफोलियो इन मैटिक, मैटिक इज एन इंडियन करेंसी पॉलीगन. बाकी बेस्ट आर इन गोल्ड कॉइन. क्रिप्टो इसलिए है क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा से एक स्टॉक मार्केट पर्सन रहा हूँ. 2020 में मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट खुलवाया था, उसके बारे में भी मेरी फैमिली को नहीं पता है. अल्लाह उन्हें मेरी लाइफ के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं बताना भी पसंद नहीं करता, ना ही मैं बताता हूँ किसी को. मेरे बारे में मैं ही जानता हूँ, और थोड़े बहुत लोग और जानते होंगे शायद, अगर जानते होंगे तो, बाकी नहीं. हाँ, मेरे भाई को सब कुछ पता रहता है मेरे बारे में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्या कर सकता हूँ, कब क्या करूँगा, उसे रहता है. बट उसे भी उतना नहीं पता रहता, बट उसे सब लोगों से थोड़ा ज़्यादा पता रहता है, क्योंकि मैं उसे बताना थोड़ा सही समझता हूँ हर एक्चुअली. तो क्रिप्टो इसलिए 2020 से मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी बर्गर किंग के आईपीओ से. तो बर्गर किंग के आईपीओ से स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी. 2021 के जनवरी में मैं क्रिप्टो से अवेयर हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी है. पता पहले भी था कि क्रिप्टो करेंसी है, बट इसकी ट्रेडिंग से अवेयर मैं 2021 में हुआ था जनवरी में. तो तब से मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ 2021 से. 2021 से क्रिप्टो में ट्रेड किया मैंने. 2021 के मई तक काफ़ी बड़ी क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना ली थी. फिर जो फॉल डाउन आया क्रिप्टो में, उसमें मेरे तो लगे ही, बाकी सबके ही लगे हैं मेरे तो क्या. पर क्रिप्टो के लिए मुझे है एक कि क्रिप्टो कुछ ना कुछ काम जरूर करेगी. अभी नहीं, इसे टाइम लग जाएगा, इट विल टेक अ डिकेड, बट क्रिप्टो विल मेक. पर फिर भी बिजनेस में कस्टमर इंटरेक्शन बहुत जरूरी है. किसी भी नए बंदे को बिजनेस में रखना, मैं काम करवाऊं किसी से, वो कस्टमर इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा. वो चाहे अच्छी बना ले शायद मुझसे, बट बेच भी ले, सेल क्रिएट कर ले, बट कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. कस्टमर के पास एक रीज़न होना चाहिए कि वो आपकी दुकान पे वापस आए, या तो टेस्ट या पर्सन. तो शुरू में जब मैंने चाय की दुकान लगाई तो मेरी चाय अच्छी नहीं थी. मैं भी फ्रैंक होके बताता हूँ, मैंने कस्टमर से फीडबैक ले लेके चाय बनाना सीखा है. मैं हरियाणा से हूँ, हमारे वहाँ पे चाय को जला के पीते हैं मीठा करके. तो यहाँ पे मैं वैसी ही चाय देता था लोगों को, बिल्कुल मीठी. और यहाँ पे लोगों को कम शुगर वाली चाय पसंद है. तो लोगों से फीडबैक लिए, धीरे धीरे चाय को इम्प्रूव किया, अच्छा किया. लोग मेरे पास शुरू के दिनों में मेरे इंटरेक्शन की वजह से आए, नहीं मेरी चाय की वजह से नहीं आए. क्योंकि चाय के यहाँ पे और भी काफ़ी सारी दुकानें थी, बट अब वो सारे वहाँ से शिफ्ट होके मेरी दुकान पे आ चुके हैं. रात के टाइम पर भी आप आओगे तो आपको एक बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा, अच्छी वाइब क्रिएट होती है. यहाँ पे लोग आते हैं अपने डॉग वॉक के साथ, मतलब एक अच्छा हैंग आउट का प्लेस बन चुका है लोगों के लिए. तो यही है अभी के लिए. ये वेबसाइट है, ये मैंने खुद बनाई है, चेक कर सकते हो आप. ऐसी बनी, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं आईटी का, तो जैसी बनी उस हिसाब से मैंने बना दी. और क्या बताना है बताइए. Cryptocurrency as a form of payment could be extremely realistic in future. Like UPI, it could soon be possible for small street side vendors to start accepting it. Moreover, stable coins like Bitcoin or Ethereum could be a great option to pay. क्योंकि चाय का बिजनेस ऐसा है, अगर हर एक गली में भी खुलेगा ना तो हर एक गली में चलेगा. कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक शहर में एक है तो वो एक शहर में एक ही चलेगा, दूसरा खुल गया तो उसकी सेल पे फर्क पड़ेगा. नहीं, चाय एक ऐसी चीज़ है जहाँ खोलो वहाँ बिकेगी, अच्छी बिकनी चाहिए. बस चाय की कोई ब्रांड थोड़ी होती है यार, आजकल लोग चाय की ब्रांड बना देते हैं. चाय ब्रांड में काम करती ही नहीं है, चाय काम करती है वाइब में, कि वाइब कहाँ पर मिल रही है. देखिए, मैं पसंद नहीं करूँगा कि किसी एक फाइव स्टार जगह पर बैठ के, कैफे में बैठ के चाय पी जाए. मैं ऐसी जगह पर मोटिवेशन, ऐसा तो कुछ मोटिवेशन किसी ने मोटिवेट किया नहीं, बट बिजनेस ही करना था हमेशा से. और चाय को शुरू इसलिए किया क्योंकि चाय इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट है मेरे हिसाब से, और इसे कोई एक प्लेयर तो नहीं पकड़ सकता. इसे पकड़ने के लिए मल्टीपल प्लेयर चाहिए, और इंडियन मार्केट में इतने प्लेयर्स हैं नहीं. तो एक अपॉर्चुनिटी है चाय की मार्केट में एंट्री करने के लिए. चाय डेली नीड है, फास्ट फूड डेली नीड नहीं है. लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उनका टेस्ट थोड़ा सही लगता है, डिफरेंट लगता है, इसलिए वो खा लेते हैं. बट चाय नीड में आता है,
इसी अगर वो पेमेंट कर रहे हैं किसी भी करेंसी में और वो डाउन चल रही है, पहले तो फायदा ही है ना, आगे चल के वो बढ़ेगी। शायद पीक पे डाउन है, इससे ज्यादा डाउन जा सकता है, बट इससे ज्यादा और नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत ही जाएगा अगर जाना भी होगा तो। बिटकॉइन ऑलरेडी 19,000 पे ट्रेड कर रहा है। While most Indians are new to the concept of cryptocurrencies and Indian government is still uncertain on regulation, this crypto enthusiast Chaiwala on the streets of Bengaluru is accepting cryptos like Tron, Tether, Bitcoin, etc. as a mode of payment along with the dollars and Indian currency, as he strongly believes in future of crypto. I'll leave the location details in the description box. Please do visit and let me know if you like it. Well, hope you liked this video. Thanks for watching. This is David signing off.